स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुपर सैटरडे में आज दो मुकाबले थे, एक तरफ थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ थी भाई पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और डिफेंडिंग चैंपियन आपकी इंग्लैंड। तो भाई इंग्लैंड के तो भाई फटे हाल हो चुके हैं, बुरे हाल हो चुके हैं और वर्ल्ड कप से इंग्लैंड हो चुकी है ऑफिशियली आउट, उनके आगे लग चुका है एलिमिनेट। दो टीमें ऐसी हैं इस वर्ल्ड कप में जिनके आगे एलिमिनेट का साइन लग चुका है, उसमें पहली थी बांग्लादेश और दूसरी टीम बन चुकी है इंग्लैंड। और दो टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, पहले इंडिया के आगे क्यों लगा था और आज साउथ अफ्रीका के आगे भी क्यों मार्क हो चुका है, यानी दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब सेमीफाइनल के लिए दो टीमों की लड़ाई है कि तीसरे और चौथे नंबर पे कौन रहता है। हालांकि तीसरे पे लगभग आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है और चौथे नंबर का जो स्लॉट है उसमें भाई तीन टीमें फाइट कर सकती हैं, एक है न्यूजीलैंड, एक है पाकिस्तान और एक है आपकी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जो दो मुकाबले अफगानिस्तान के हैं वो है भाई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से। वही न्यूजीलैंड को जो खेलना है अगला मुकाबला श्रीलंका से खेलना है और पाकिस्तान को जो अपना मुकाबला अगला खेलना है वो खेलना है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान के लिए थोड़ा से जैसे बोले कि टफ है और अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाता है तो लगभग ये तय माना जाएगा कि पाकिस्तान टॉप फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और सेमीफाइनल जो होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। इस वर्ल्ड कप में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि ऐसे बहुत से जिसे बोले कि एक तरीके से चांस है कि दूसरा जो मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आपको देखने को मिल सकता है और ये काफी जिसे बोले कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिहाज से। पॉइंट्स टेबल पे नजर मारते हैं और पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कहां पे है एक बार आपको बता देते हैं। पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर भाई इंडिया है, क्यू लग चुका है, क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, 7 मैचेस में से 7 जीत अनबीटेबल, 14 उनके अंक है, प्लस 2.10 का नेट रन रेट है। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, क्यू लग चुका है, ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं, 7 मैचेस में से 6 जीत है, 1 मैच नीदरलैंड से हारे थे, 12 इनके पॉइंट है और टोटल जो इनका नेट रन रेट है प्लस 2.290 का इनका नेट रन रेट है। तीसरी टीम लगभग तय माना जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्यू नहीं लगा है, 7 मैचेस में से 5 इनकी जीत है, 2 में हार मिली है, यानी कि 10 इनके टोटल पॉइंट है, नेट रन रेट जो है इनका प्लस 0.924 का इनका नेट रन रेट है। चौथी टीम बहुत ही ज्यादा जूझ रही है, 4 मैचेस लगातार हारी है, 4 मैचेस लगातार शुरुआत में जीती थी, 8 मैचों में 4 जीत 4 हार, 8 इनके टोटल अंक है, नेट रन रेट की बात करें तो प्लस 0.398 का इनका नेट रन रेट है। पांचवे नंबर पे पाकिस्तान है, 8 मैचेस में से 4 जीत 4 हार, 8 इनके टोटल पॉइंट है, प्लस 0.036 का इनका नेट रन रेट है। छठे नंबर पर अफगानिस्तान है, 7 मैचेस खेले हैं, 4 में जीत हासिल हुई है, 3 में हार हुई है और 8 इनके टोटल पॉइंट है, माइनस 0.330 का इनका नेट रन रेट है। श्रीलंका ने 7 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत 5 में हार, 4 इनके टोटल अंक है, माइनस 1.162 का इनका नेट रन रेट है। आठवें नंबर पर नीदरलैंड है भाई, अभी ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है, 7 में से 2 जीत है, 4 इनके टोटल पॉइंट है, 5 हारे हैं, माइनस 1.398 का इनका नेट रन रेट है। अब ऑफिशियली जो टीम बाहर हो चुकी है उसमें सबसे पहला जो नंबर आया था नीचे से फर्स्ट आने का वो थी बांग्लादेश, 7 मैचेस में से 1 जीत है, 6 में हार है, 2 इनके टोटल पॉइंट है, माइनस 1.446 का इनका नेट रन रेट है। भाई 10वीं टीम जो है इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन ऑफिशियली आज ऑस्ट्रेलिया से हार के इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, 7 मैचेस 1 जीत 6 में हार, 2 इनके टोटल पॉइंट है, माइनस 1.504 का इनका नेट रेंड है। तो ये पॉइंट टेबल की कहानी है, आप भी कमेंट करके बताएं कि तीसरी टीम और चौथी टीम वो कौन सी होगी सेमीफाइनल के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल जय हिंद जय भारत।